श्रृंगार का सुर। आज तुमने हमें अपने विचारों से अवगत कराकर हमें प्रसन्न कर दिया है। ऐसे ही विचार किसी शत्रु के सर्वनाश के लिए अति आवश्यक होते हैं। और इस समय असुर साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है गणेश, और जिस दिन वो हमारी रणनीति के चक्रव्यूह में फंसेगा उसका अंत निश्चित है श्रृंगार का सुर। अंत तो आपका निश्चित है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अपनी संकीर्ण रणनीतियों पर पूर्ण विराम लगाएं, अन्यथा हमारी इस गदा की शक्ति से आप परिचित हैं। गजमुखी द्वारपाल, हमारा एक आदेश, मात्र एक आदेश तुम्हारी मृत्यु की घोषणा हो सकता है। मात्र मृत्यु की घोषणा नहीं, हम तुम्हारा काल बनकर आए हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। किंतु पुण्य पुरत के संकल्प के अनुसार उसके पूर्ण होने तक उसके कर्ता या संबंधी के लिए संहार या वध वर्जित है। यदि तुम हमारा संकल्प भंग नहीं कराना चाहते हो तो अति शीघ्र पिताश्री को कैलाश भेज दो। महादेव का आगमन हमारे आदेश का परिणाम नहीं, उनकी अपनी वचनबद्धता है। और फिर तुमने भी तो उन्हें रोकने का प्रयास किया था ना, रोक लेते उन्हें। अपनी जीवा पर अंकुश रखो दैत्य गुरु। गणेश, ना तो महादेव यहाँ उपस्थित है और ना ही हमने उन्हें बंदी बनाया है। बंदी? पिताश्री को बंदी बनाना तो दूर, यदि पिताश्री वचनबद्ध न होते तो आप और आपकी समस्त आसुरी शक्तियाँ उनके प्रतिबिंब के समक्ष भी ठहर नहीं पाती। गणेश, तुम हमारे आश्रम में हमारा ही अपमान कर रहे हो। शुक्राचार्य, संपूर्ण सृष्टि गणेश का निवास है। हमने इसके पूर्व भी तुम्हें इस प्रकार की अभद्रता तथा उदंडता ना करने की चेतावनी दी थी, किंतु इस बार तुमने उदंडता के साथ साथ छल कपट की घृणित रणनीति भी प्रारंभ कर दी है। गुरुदेव, हमें आदेश दें, हम इस चूर्णधारी गणेश को आपके अपमान का दंड देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। संहार का सुर, यदि हमने तुम्हें दंड देने का निर्णय ले लिया तो तुम्हें इस संपूर्ण सृष्टि में अपना मुंह छिपाने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। शुक्राचार्य, पिताश्री को दक्षिणा में छल से मांग कर आपने अपने षड्यंत्र को उजागर कर दिया है, किंतु ये छल कपट का मार्ग आसुरी शक्तियों का प्रयोग करने वाले असुरों का मार्ग है। आप ये भली भांति जानते हैं कि हम देवगण इस प्रकार का मार्ग कदापि नहीं अपना सकते, परंतु हमारी इस विवशता का अर्थ ये कदापि ना लगा लेना दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि हम इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। हम चाहें तो आपके समस्त असुर साम्राज्य को एक क्षण मात्र में समाप्त कर सकते हैं, यह हमारी चेतावनी है। गुरुदेव, इस उदंड बालक का दुस्साहस तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चुनौती, और वो भी आपके अपने आश्रम में। चुनौती को स्वीकार किया जाएगा संघार का सुर, और इस चुनौती का ऐसा उत्तर दिया जाएगा कि समस्त देवता भयभीत हो उठेंगे। गुरुदेव, गणेश तो चेतावनी देकर गया है। चेतावनी नहीं संघार का सुर, वो तो हमें भयभीत करने का साधन था, मात्र एक साधन। वो समझता है कि हमें चेतावनी देकर वो आतंकित कर देगा, किंतु ये समझना उसकी मूर्खता है, मूर्खता संघार का सुर। अभी गणेश ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की छल कपट की रणनीति देखी कहां। संघार का सुर, एक बार देवादिदेव महादेव को हमारे समक्ष उपस्थित तो होने दो, फिर ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी छल कपट की रणनीति की ऐसी चालें चलेगा कि समस्त देवता देखते रह जाएंगे। प्रणाम श्रद्धे भृगुनंदन।